सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन शहरी इंटरनेट की दुनिया में गैर महफूज, कनाडा की अहम वफाकी एजेंसियां साइबर क्राइम से निपटने के लिए तैयार नहीं, रिपोर्ट में सलाहियत और आलात की कमी का इंकशाफ। हरदीप सिंह नजर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद, अमनदीप सिंह को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में तूफान की वार्निंग, बड़े साइज के ओले पड़ने का इम्कान, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। अमरीका ने गजा में जंग बंदी की कोशिशें तेज कर दी, जो बाइडन का कहना है कि इसराइली वजीर आजम सियासी साख बचाने के लिए गजा में जंग को तूल दे रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ki aham wafaqi agencies cyber crime ke badhte hue khatre se ladne ke liye taiyar nahi hain. Mazeed jante hain is report mein. कनाडा की अहम विफाकी एजेंसियां साइबर क्राइम के बढ़ते हुए ख़तरे से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। कनाडा के विफाकी अखराजात पर नज़र रखने वाले इदारे का कहना है कि तीन अहम एजेंसियों के पास कैनेडियनों को साइबर हमलों से मौसर तरीके से बचाने और ऑनलाइन जराइम के बढ़ते हुए ख़तरे से निमटने के लिए सलाहियत और आलात की कमी है। मंगल को जारी होने वाली एक रिपोर्ट में ऑडिटर जनरल कैरन हॉगन ने रद्द अमल, कोऑर्डिनेशन, नफास, ट्रैकिंग और तंजीमों के दरमियान और इसमें तजिए में खराबियों को बयान किया है। हॉगन के जायजे ने RCMP, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, साइबर SP एजेंसी और कैनेडियन रेडियो, टेलीविजन और टेली कम्युनिकेशन कमीशन को देखा। उन्होंने पाया कि लोगों को ये मालूम करने के लिए छोड़ दिया गया था कि साइबर क्राइम की रिपोर्ट कहाँ बनाई जाए या उनसे इसी वाकये की इत्तला किसी और तंजीम को देने के लिए कहा गया हो। पब्लिक सेफ्टी के वजीर डोमैंकली प्लैंक ने रिपोर्ट का खैर मकदम किया और ख़तरे की संगीनी पर जोर दिया। उनका कहना था कि पिछली दहाई में रोज़मर्रा की चीज़ों का ख्याल रखने के लिए इंटरनेट पर हमारा इन्हिसार वाज़ेह तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये यकीनन बढ़ती हुई सहूलत के साथ आता है, लेकिन ये बढ़ते हुए खतरात के साथ भी आता है। कनाडा की अदालत ने हरदीप सिंह नजर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम अमनदीप सिंह पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा की अदालत ने हरदीप सिंह नजर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम अमनदीप सिंह पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमनदीप सिंह उन चार अफराद में शामिल हैं जिन पर ओटावा में कत्ल के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद की गई। अमनदीप सिंह को 3 नवम्बर 2023 को ब्रैम्पटन से गिरफ्तार किया गया था। उसे ऑन्टेरियो में एक शादी की तकरीब से एक रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया। शादी की तकरीब में गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने की साजिश तैयार की गई थी। याद रहे कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं, जबकि अमरीकी हुकूमत ने भी गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमरीका में कत्ल करने की साजिश से पर्दा उठाया था। वाज़े रहे कि हरदीप सिंह निजर को गुज़िश्ता साल जून में गुरु नानक गुरुद्वारे के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया था। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से ऑन्टेरियो के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान का खतरा जाहिर किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से ऑन्टेरियो के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान का खतरा जाहिर किया गया है। शदीद गरज चमक के बाद मंगल के रोज़ शुमाल मगरिब में तूफान के इंतबाहात को जन्म दिया। तूफानी मौसम का खतरा बुध के रोज़ जनूबी इलाकों में भी फैल जाएगा। दर्जा हरारत मौसम गर्मा के वस्त में बुध के रोज़ फिर से कदरों की तरह बढ़ जाएगा
और गरज चमक के तूफानों के लिए दरकार सर्द माह से गुजरता हुआ महारिक होगा। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ इलाके शदीद तूफान के इम्कान के लिए खसूसी तवज्जो का मरकज होंगे। इन्वायरमेंट कैनेडा का कहना है कि अपने इलाके में मौसम के तमाम इंतबाहात पर अप टू डेट रहना यकीनी बनाएं, ख़ास तौर पर गरज चमक के बढ़ते हुए इम्कान के साथ, क्योंकि हम इस महीने मौसम गर्मा के बाजाबता आगाज़ के करीब तर हैं। वस्ती ओंटेरियो और ग्रेटर टोरंटो एरिया में तूफान का ख़तरा देर शाम और रात के औकात तक बढ़ जाएगा। बड़े ओले मुमकिन तौर पर टोनी साइज तक शदीद ख़तरे वाले इलाकों में मुतवक्के हैं। सर्द महाज के साथ 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने की तवक्को है और गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों की तवक्को है, क्योंकि एक मरतूब माहौल से गुजरते हैं। बुध को दिन भर मौसम से बाखबर रहना अहम होगा। ओंटेरियो के बेशतर इलाकों में हफ्ते के आखिर तक गैर मुनज़्ज़म हालात, इतवार को बारिशों के साथ जारी रहने का इम्कान है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि वो मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से 8 जून को हलफ उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक जनरल इलेक्शन में 292 नशस्तें हासिल करके भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी इत्तेहाद हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गया। मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाने जा रहे हैं और आजहानी जवाहरलाल नेहरू के बाद यह एजाज़ हासिल करने वाले दूसरे रहनुमा बन जाएंगे। हलफ बर्दारी की तारीख का सरकारी सतह पर ऐलान नहीं हुआ है, तहम भारतीय मीडिया का दावा है कि इस अहम दिन के लिए 8 जून की तारीख तय कर ली गई है। आइन के तकाजों को पूरा करते हुए इलेक्शन के नतज के बाद नरेंद्र मोदी ने मुल्की सदर को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, जिसे भारतीय खातून सदर द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू की हिदायत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगली हुकूमत की तश्कील तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने नई काबीना की तश्कील के लिए सलाह मशवरे शुरू कर दिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गजा की पट्टी में फौरी जंग बंदी के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गजा की पट्टी में फौरी जंग बंदी के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन में अमरीकी जरीदे से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि इजरायली वजीर आज़म सियासी साख बचाने के लिए गजा में जंग को तूल दे रहे हैं। सदर बाइडन ने कहा कि इजरायली फोर्सेस की जानिब से गजा में जंगी जराइम के ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि गजा में जंग बंदी पर अमल दरामद ना करने की जिम्मेदारी हमास पर आयद होती है। उनका मजीद कहना था कि मुतादिद अरब ममालिक ने दो रियासती हल पर अमल दरामद पर गजा की सिक्योरिटी और तामीर नौ में हिस्सा लेने की यकीन दहानी कराई है। अमरीका ने गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी हम मनसब और अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल से राबता कायम किया है। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, हम चाहते हैं कि हमास जंग बंदी का मुहायदा कबूल करें। अमरीकी ऐवान सदर के नुमाइंदे जॉन किर्बी ने कहा कि जंग बंदी के लिए हम बिन यामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने कहा, मुस्तकिल जंग बंदी और इजरायली फौज के इनखला से मुतालिक मुहायदा ही कबूल किया जाएगा। दूसरी तरफ इसराइल ने रफा पर बमबारी जारी रखी है। ब्रिज और माजी कैंपों पर इजरायली बमबारी से मजीद 19 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हुए। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 80 हो गई। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान महरीन अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Thank you.